हाँ जी, वो भी खत्म हो गया था 40 मिनट्स का। लेट्स ओके। सो फरियाल ने भी ज्वाइन कर लिया, तो शुरू करते हैं वहां से। हाँ, तो स्नैच हर हैप्पी लाइफ, दिस शोज दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन नेवर बी श्योर अबाउट द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, वेदर इट वुड बी लास्टिंग और नॉट। ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नेवर बी श्योर, वो कभी भी श्योर नहीं होंगे अबाउट द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, वेदर इट वुड बी लास्टिंग और नॉट, कि वो लास्टिंग हो या ना हो। देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट थॉट्स ऑफ दिस वुमेन। ठीक है, तो ये स्टार्क रियलिटी जो है, ये एक तल्ख हकीकतें वो बयान करता है अपनी पोइम के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डली। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा है जिसमें वो कहता है, सिमिलरली इसी तरह द पोइम जो इट्स गोइंग डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ व्हिच नोबडी कैन डाउट। ठीक है, वैसे चर्च गोइंग के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर बता रहे थे जिसमें किसी को भी डाउट नहीं है कि पीपल ऑफ 20th सेंचुरी हैव लॉस्ट देयर फेथ इन चर्च, कि लोग तो जाते तो है नहीं चर्च के अंदर, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। खास तौर पर जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी जाना छोड़ दिया था। द अटेंडेंस इन द चर्च हैज बिकम वेरी शॉर्ट, ही स्पेकुलेट्स ऑफ द फेट ऑफ चर्च, ही सेज। तो वो जो एक अंदाजा लगाता है कि फेट ऑफ चर्च के बारे में, कि व्हेन चर्चेस फॉल कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, जब वो बिल्कुल आउट ऑफ यूज हो जाएंगे, व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, तो हम इनको क्या करेंगे। इफ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, क्या हम लोगों को बस तारीखी तौर पे दिखाने के लिए म्यूजियम्स के तौर पर इनको यूज करेंगे, एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप, और जो बाकी रह जाएंगे उनका हम क्या करेंगे, शीप भेड़ों के लिए, या बारिश वगैरह जब आएगी तो उनका चारा वगैरह खाएंगी भेड़े, इसके लिए रह जाएंगे चर्चेस। हाउएवर ही प्रिडिक्ट्स दैट सम पीपल विल कंटिन्यू टू विजिट चर्च इन होप टू एक्वायर सम विजडम। ठीक है, कि वो किसी विजडम को हासिल करने के लिए शायद चर्च को आएंगे। लुकिंग एट द ग्रेव इन द चर्च यार्ड, ही सेज, कहता है कि शायद वो चर्च यार्ड के अंदर जो ग्रेव है उसके लिए आएंगे। देन समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग, कि कोई हमेशा सरप्राइज तो होता रहेगा। हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, कि वो ज्यादा फिलोसॉफिकल चीजों को जानने की, स्पिरिचुअल चीजों को जानने की कोशिश करेगा। एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड, और इस ग्राउंड यानी इस चर्च के ग्राउंड के साथ, विच ही वंस हर्ड, जो कि कभी उसने सुना होगा, वॉज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, कि एक हुआ करता था, एक ऐसी चीज हुआ करती जिसके जिसको पढ़ के, जिस जहां पर जाकर, जहां पर लोग जो है वो प्रॉपरली वाइज हुआ करते थे। ठीक है, इफ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई अराउंड। ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं इस चर्च के। ठीक है, नेक्स्ट में वो कहता है कि लार्किन्स पोएट्री कैचेस द रीडर्स अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स कोलोक्वियल डिक्शन। ठीक है, कोलोक्वियल डिक्शन कौन सा होता है, जो कि आम बातचीत होती है। ठीक है, कॉमन एवरीडे लैंग्वेज होती है, कन्वर्सेशनल स्टाइल। ही यूजेस प्लेन लैंग्वेज विच शोज हिज बिलीफ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। तो वो एक प्लेन या सादा सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, जो उसका इस बिलीफ पे के ट्रेडिशन के ऊपर वो बिलीव करता है। दैट्स व्हाई ही स्टैंड्स एज द चीफ एग्जाम्पल अमंग हिज कंटेम्परेरीज ऑफ द लाइन ऑफ एंटी मॉडर्निस्ट पोइट्री। ठीक है, तो इस वजह से उसको हम कह सकते हैं कि अपने कंटेम्परेरीज पोइट्स जो थे उनमें वो एक एंटी मॉडर्निस्ट पोइट्री की लाइन में स्टैंड करता था। ठीक है, इस पोइट्री रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लिनेशन फॉर इंपीरियलिस्ट वैल्यूज। ठीक है, तो उसकी पोइट्री जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी कि स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लिनेशन है। ठीक है, कि इंक्लिनेशन रुझान नहीं है उसका इंपीरियलिस्ट वैल्यूज की तरफ। ठीक है, जो इंपीरियलिस्ट वैल्यूज हैं उनकी तरफ उसका रुझान बिल्कुल भी नहीं है, जो इंपीरियलिज्म वगैरह के लिए लोग जो है वो फ्लावरी किस्म की इंग्लिश और बहुत हाई स्टैंडर्ड्स यूज करते थे कि हम दूसरों से ऊपर हैं, तो वो उसका रुझान नहीं था। हिज स्केप्टिसिज्म, उसका जो शक्कीपन है, इज थारो गोइंग एंड रिलेंटलेस, वो हमेशा रहता है और वो रेलेंटलेस है, कभी ना खत्म होने वाला है, कि वो चीजों के ऊपर सवाल उठाता रहता है एंड तक। ही रेयरली सॉफन्स हिज टोन इन दिस रिस्पेक्ट, वो मुश्किल ही अपनी टोन, अपने लहजे को कम करता है
इस लिहाज से कि वो क्वेश्चंस उठाता रहता है. ही रिजेक्ट्स पोएटिक डिवाइसेस को, वो रिजेक्ट करता है पोएटिक डिवाइसेस को. हिज डिक्शन इज नॉट ओनली कोलोक्वियल बट आल्सो कोर्स वल्गर एंड प्रोफेन. ठीक है, तो यानी पोएटिक डिवाइसेस को वो ओवरऑल बहुत सोच समझ के वैल्यू दे के यूज नहीं कर रहा. वो लिख रहा है, अगर कहीं पे यूज हो रही है तो ठीक है, ठीक है, वो उसके बारे में इतनी ज्यादा जो है वो परवाह करके लिख नहीं रहा अपने इसको कॉन्सेप्ट को, तो पोएटिक डिवाइसेस को बहुत ज्यादा वैल्यू वो नहीं दे रहा. ही रिजेक्ट्स पोएटिक डिवाइसेस. हिज डिक्शन इज नॉट ओनली कोलोक्वियल बट आल्सो कोर्स वल्गर और प्रोफेन. ठीक है, तो उसका डिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जाके वो कोलोक्वियल तो होता है, उसके साथ साथ वो कोर्स भी होता है, वल्गर भी और प्रोफेन भी. प्रोफेन यानी ममनू भी है, यानी कि जो चीजें शायद डिस्कस नहीं की, जो टैबूज हैं शायद माशरे के लिए, जो आमतौर पर डिस्कस नहीं की जाती, बट दे आर द रियलिटी. वो भी तो हकीकत है, वो भी तो कन्वर्सेशनल गुफ्तगू के अंदर डिस्कस होनी चाहिए या होती हैं. ही रिजेक्ट्स द यूज ऑफ इमेज सिंबल एंड द मेटाफर इन फेवर ऑफ आर्गुमेंटेटिव वर्ड्स. वो कहता है वो इमेजेस को, सिंबल्स को और मेटाफर को रिजेक्ट करता है इन फेवर ऑफ आर्गुमेंटेटिव वर्ड्स, कि आर्ग्यूमेंट्स जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए आपका वर्ड्स के अंदर, ना कि इमेजेस और सिंबल्स और मेटाफर स्ट्रांग हों. ठीक है, पता, आप जो भी बात बताने चाह रहे हैं, जो भी आप पॉइंट उठाना चाह रहे हैं, जो भी सवाल आप उठाना चाह रहे हैं, उसका आर्ग्यूमेंट वो स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि उसके इमेजेस को ढूंढते रहें, उनके सिंबल्स को और मेटाफर्स को ढूंढते रहें. बट ओकेजनली यूजेस सिंबल्स, बट ही ओकेजनली, लेकिन वो कभी कभार यूज करता है सिंबल्स को भी एंड इमेजेस पर्टिकुलरली, और खास तौर पे वो इमेजेस को यूज करता है इन हाई विंडोज के अंदर. ही आल्सो अवॉइड्स द यूज ऑफ इमोशंस, तो वो इमोशंस के इस्तेमाल को भी क्या करता है कि अवॉइड करता है. एंड इंट्यूशन को भी, रादर ही बिलीव्स इन इंटेलेक्ट. ठीक है, वो इंटेलेक्ट के ऊपर बिलीव करता है. ठीक है, ही रिलाइज मोर ऑन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पोइम. ठीक है, दैट इज राइम स्कीम एंड स्टैंजा बेटरा. ठीक है, वो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पोइम पे यकीन रखता है, राइम स्कीम हो गई है, स्टैंजा पैटर्न पे. मिस्टर ब्लिनी इज द बेस्ट एग्जांपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो मिस्टर ब्लिनी में उसने जो राइम स्कीम यूज की हुई है वो एक एक्सक्विजिट एग्जांपल हमें दिखती है, बेस्ट एग्जांपल दिखती है इन दिस कॉन्टेंट के अंदर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट होगा. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की बजाय उसने कॉन्टेंट लिख दिया, इसको ठीक कर लीजिएगा. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट. लार्किन इज ऑल्सो अ कंसर्वेटिव. ठीक है, कंसर्वेटिव कहते हैं जो पुराने हालात को, कदामत पसंद को, पुराने हालात को पसंद करता हो. इज डिस्गस्ट विद अर्बनाइजेशन, तो वो पसंद नहीं करता, नफरत करता है अर्बनाइजेशन से. ठीक है, ये जो शहरी, सारे लोग गांव को छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं, उसको वो डिसडेन करता है, डिस्गस्ट करता है. चीप स्टोर्स एंड फाउल स्मेलिंग रोड्स, all these add to add up to our tradition of profound conservatism. ठीक है, तो ये सारी चीजें add करती profound, गहरे conservatism को. ये ridicules, तो वो ridicule करता है, मजाक उड़ाता है the commercialism को, commercialism and collectivism का. ठीक है, commercialism का भी, कि जो commercialize हो रही है सारी और industrialize हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, और कलेक्टिविज्म का भी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉरल सोशल एंड एस्थेटिक ब्रेकडाउन. ठीक है, वो कहता है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो कलेक्टिविज्म है, ठीक है, चीज़ों का बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना, रिसोर्सेज का और बिजनेस और इंडस्ट्री, ये सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अखलाकी, माशरती और एस्थेटिक जो है वो एक जमालियाती ब्रेकडाउन का, जवाल का जिम्मेदार है. देयरफॉर ही ट्रिब्यूट्स टू द रिचुअल्स व्हिच सस्टेन द वाइल्डनेस इन ऑर्डिनरी लाइफ. इसलिए वो अपनी शायरी के अंदर ट्रिब्यूट पेश करता है उन तमाम रिचुअल्स को
जो कि सस्टेन करके रखती है, जिन्होंने बरकरार के रखा हुआ है वर्थवाइलनेस इन ऑर्डिनरी लाइफ, आम जिंदगी के अंदर जिन्होंने अपनी बका को बरकरार रखा हुआ है, वर्थवाइलनेस को बरकरार रखा हुआ है। लार्किन इज ऑलवेज इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मॉडर्निस्ट फिलोसफी। ठीक है, तो यहां से पढ़े जी सबा। Larkin is always into conflicts with the modernist philosophy and modernist poetics. He did not agree with the modernist views that the poet should address a small and intelligent audience rather a large and less intelligent one. But Larkin has just an opposite view. He believes that poetry is bound to please its readers. He says, if a poet loses his pleasure seeking audience, he has lost the only audience worth having. Similarly, he is against the obscure poetry because this type of poetry diminishes the number of audience. The poem Toad has an anti-modernist theme. This poem deals with the important problems of modern man. Next padhun ya? Okay, next we kehta hai ki in Larkin's poetry there is no violence and learned allusions. ठीक है, कहता है violence भी नहीं है और learned allusions यानी सीखे गए allusions, allusions कहते हैं जैसे कि आपको पढ़ेंगे ना बाद में, जैसे ऐसे गोदा वाले पढ़ेंगे इसको, विलियम वर्ड्सवर्थ की दो जो ऊपर भी एक नाम गुजरा था इस poem का, तो the wasteland, तो उसमें क्या होता है कि बहुत allusions हैं पुराने दिए गए ऐसे references, mythological references या literary references जिनको वो यानी वो आम बंदे को मालूम नहीं होते, वो किसी learned बंदे को जिसमें पढ़ा लिखा बंदा होता है उसी को मालूम होते हैं, तो वो कहता है कि इसके वो खिलाफ है और ना ही उसकी पोइट्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ना ही वॉयलेंस नजर आता है। He does not write sensational poems, तो वो sensational poems भी नहीं लिखता जो ड्रामा जिसके अंदर हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो। ठीक है, एंड देयर आर नो स्कॉलरली कोटेशंस, और उसकी पोइम्स के अंदर कोई स्कॉलरली कोटेशंस भी नहीं होते या कोई फिलोसॉफिकल कोटेशंस भी नहीं होते। दिस लार्किन हैज रिजेक्टेड द हाई डिग्री ऑफ एल्यूसिवनेस ऑफ मॉडर्न पोएट्री, तो वो इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया जो मॉडर्न पोएट्री की हाई डिग्री ऑफ एल्यूसिवनेस है। ठीक है, यानी allusions को उसने reject कर दिया है from the stylistic point of view, और stylistic point of view से Larkin is also a rebel, ठीक है, against modernism, तो वो एक बागी है किसके खिलाफ जी, modernism के खिलाफ। ठीक है, वो modernism के खिलाफ एक बागी है। ठीक है, he does not like to use a specialized diction, वो कोई स्पेशलाइज्ड डिक्शन यूज नहीं करना चाहता। ही यूज्ड ट्रेडिशनल स्टैंजास एंड द ट्रेडिशनल मीटर स्पेशली कोलोक्वियल स्टाइल। टोड एंड मिस्टर ब्लिनी आर द बेस्ट एग्जांपल्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इन मिस्टर ब्लिनी ही सेज दिस वाज मिस्टर ब्लिनीज रूम, ही स्टेड द होल टाइम ही वाज एट द बॉडीज। ठीक है, वो सारा वक्त इधर ही रहता है जब वो बॉडीज में रहता है। द पोइम टोड हैज द फॉलोइंग कोलोक्वियल लाइंस, ही सेज गिव मी योर आर्म ओल्ड टोड, हेल्प मी डाउन सिमेट्री रोड। टू कंक्लूड वी कैन से दैट टू Larkin इज अ मॉडर्न पोएट, येट ही इज अगेंस्ट द टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न पोएट्री एंड ही स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट्स। ये है जी इसका मॉडर्न पोइट वाला। तो इसमें से देखिए और कोई क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे दो चार क्वेश्चन जो इसके और हैं वो भी रीड कर लेंगे। वैसे तो ये इतना ज्यादा मेरे ख्याल से है नहीं इम्पोर्टेंट सरगोधा वालों के लिए। ठीक है, पोइम्स के जो है वो क्या उसको कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ही आ सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ये पॉइंट तो मौजूद है,
ये आपने इसका याद करना है अच्छे तरीके से जी। इसकी दोनों जो आज हमने पॉइंट्स पढ़ी है, एम्बुलेंस और दूसरी कौन सी थी, 1914। हाँ 1914। इन दोनों का एक थीम या शॉर्ट समरी जो है वो आपने लिख कर सेंड करनी है, ठीक है। लास्ट टाइम भी जो है वो सेंड नहीं की थी बहुत से स्टूडेंट्स ने, तो कोशिश किया करें कि वो जो समरी है वो लाजमी आप सेंड किया करें, ठीक है, ताकि वो आपकी भी तरफ से थोड़ा कुछ प्रैक्टिस वगैरह हो जाए और आपके माइंड में भी वो रहे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है जी इससे मुतल्लक, फिलिप लार्किन से मुतल्लक? सर ये जो यहाँ पे टोड का वर्ड यूज किया है एंड पे, वो रिलेटेड टू फ्रॉग ही है ना या कोई और मीनिंग है इसका? हाँ वही है, आई थिंक फ्रॉग ही है। ओके हाँ जी, और एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके जी, सो बहरहाल आप जो है वो रिटन प्रैक्टिस जो है वो पहले भी लास्ट टाइम मैं आपको रिमाइंड करवाता रहता हूँ अभी भी, कि जैसे ही आपको वक्त मिले कोशिश किया करें कि रोज़ाना का एक आध पेज लाजमी लिखा करें कंसिस्टेंसी के साथ। वही जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली लिखते रहते हैं वही पास होंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स भी उन्हीं के आएंगे, ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। ओके सो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो जो आज मीटिंग शेयर नहीं कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनको भी मोटिवेट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग और भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अटेंड किया करें, ठीक है। सिर्फ वो रिकॉर्डिंग वगैरह पर ही ना रही, ठीक है, लाइव में आप ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिवली आपको समझ भी आ जाती है, ठीक है। ओके जी, सो मीटिंग एंड करने लगा हूं, तो होप सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, और अपनी जो रिटन प्रैक्टिस है वो लाजमी जारी रखें, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।